बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं MMW चैनल। ईरान की ताकतवर फोर्स पासदारान इंकलाब ने अमरीका, सऊदी अरब और यूरोप को खरी खरी सुनाई है। क्या कहा पासदारान ने ईरान में ख्वातीन के पर्दे के खिलाफ मुजाहरों के पस मंजर में, देखिए इस वीडियो में। पासदारान इंकलाब के नायब सरबराह सरदार मोहम्मद रजा नकदी ने कहा कि ईरानी कौम इस्लामी ईरान की हाकमियत और अजमत की अलामत है। ईरानी कौम देवदार की तरह इक्तदार के साथ खड़ी है। बास हुकूमत तागूत की हुकूमत इनकलाब के बाद के खतरात और हालिया बरसों के फितनों के खिलाफ खड़े होना ईरान और मिलत ईरान की अजमत की अलामत है। उनका कहना था कि दुनिया ने मसलत करदा जंग के दौरान ईरानी अवाम पर मुकम्मल पाबंदियाँ आयद कर दी। फौजी जंग के बाद ईरान के खिलाफ हर किस्म की सियासी, समाजी और इक्तसादी जंगें मसलत की गई। इनमें से हर एक फितना किसी भी कौम को तबाह कर सकता था, लेकिन ईरानी कौम खड़ी रही और परवान चढ़ी। इस्लामी ईरान की ताकत के अज्जा इन तमाम बरसों में अपने अरूज पर। हम साइंसी तहकीक में 15वें आलमी दर्जे पर पहुंचे और इंतहाई मुश्किल हालात में तरक्की की। ईरानी कौम ने अमरीका से दुनिया की क़यादत छीन ली। उन्होंने ईरान की ताकत पर कहा कि जिस दिन खलीज फारस में अमरीकी मैरियंस पकड़े गए, जहाँ हमने जदीद तरीन अमरीकी ड्रोन को तबाह किया, जिस दिन इराक में अमरीकी अड्डे को तबाह किया गया, दुनिया ने ईरान की ताकत और ईरानी कौम की अजमत को समझा। ख्वातीन के एहतजाजी मुजाहरों पर उनका कहना था कि कई मगरबी मालिक ने सहयोगी हुकूमत के साथ मिलकर ईरान में अफरा तफरी फैलाने के लिए एक मुश्तरका कैंप बनाया है। अफरा तफरी पैदा करना फहरिस्त में सबसे ऊपर है और इसका नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। दुश्मन ईरान का मुकाबला करने के लिए ठगों के पास चला गया, उनने हथकड़ियों का सहारा लिया और ये ईरान के दुश्मनों की कमजोरी की अलामत है। दुश्मन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए मीडिया और झूठ का सहारा लिया और ये इस वक्त था जब दुनिया के लोगों ने इस्लाम और ईरान को वसी पैमाने पर तस्लीम कर लिया। अमरीका, मगरिब और सऊदी अरब को मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि बेगैरत अमरीका, जिसकी फाइल गुंतानामो और अबू गरीब है, इंसानी हकूक की बात ना करे। मगरिब इंसानी हकूक की पामाली की अलामत है और ईरान में औरत की मौत पर मातम करना उनका बड़ा झूठ है। 2019 में अमरीकी जेलों में 4,234 अमरीकी मारे गए और ये अमरीकी हुकूमत की तशद्दुद की अलामत है। 990 अमरीकी गिरफ्तार होने के बाद लापता है और ये मालूम नहीं कि वो कहाँ है। अमरीका में 50 ख्वातीन गिरफ्तारी के दौरान मारी गईं और इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। सऊदी अरब, जिसने मामूली एहतजाज करने पर नौजवानों के सर कलम किए हैं, उसे इंसानी हकूक के बारे में बात करने का कोई हक नहीं। सऊदी अरब में ख्वातीन को कम से कम हकूक हासिल नहीं। मगरबी ममालिक के हालात इससे बेहतर नहीं। आखिर पर उन्होंने इसराइल को मुखातिब होकर कहा कि ईरानी कौम ने आज तमाम दुश्मनों पर फतह हासिल कर ली है और जल्द ही हम कुछ की आज़ादी के साथ हतमी फतह के करीब पहुंच जाएंगे। मगरबी एशियाई खिते में सलामती पैदा करने का वाहिद रास्ता गासिब सहयोनी हुकूमत का मुकम्मल खात्मा है और ये दिन बहुत करीब है।